कहने का अर्थ क्या है, जैसे आप गूगल पे गए और गूगल पे आपने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का यूपी पीबी आपने दो बार डाला, यूपी पीबी और पीबी, तो पीबी में आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट खुल जाएगी। इसी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर आपको यहाँ पे FAQ दिखेंगे, इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा लिखा आएगा। अब इसमें आपको दरोगा भर्ती में 15 लाख रुपए लेकर दरोगा बनिए, उससे उसके सवाल है, उत्तर प्रदेश पुलिस में विभिन्न पदों पर कैलेंडर कब तक जारी होगा, एक तो आपके लिए ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या दिया हुआ है, चयन वर्ष। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो नीचे उत्तर आ जाएगा, इसे क्लिक करते ही काले रंग का, कि चयन वर्ष 2023 तक प्राप्त अधियाचनों के आधार पर कैलेंडर तैयार किया जा रहा है और शीघ्र जारी किया जाएगा, पहली बात। उसके बाद में यह UPSI से संबंधित पूछा है कि उप निरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन कब आएगा, आप इस पर क्लिक करो तो यहां पर यह खुल के आएगा मैसेज। इसमें दे रखा है SI के कुल 3269 पद और अग्निशमन अधिकारी के 29 पद, तो ये आपके हो गए 9, 9, 18 से लगाए 3298 पद किसके, UPSI के, याद रखिएगा UPSI के कितने पद है, कुल 3298। ये भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर है, ये UPPBPB में, अपने घर से नहीं बता रहा हूं, इसे ध्यान दीजिए। उसके बाद में भर्ती कैलेंडर तथा विज्ञापन यथाशीघ्र जारी किया जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती बोर्ड पर आप बैठे रहे। फिर चौथा क्वेश्चन तो SI का हो गया, छठा क्वेश्चन कांस्टेबल का पूछा गया है कि पुलिस आरक्षी के पदों पर आगामी भर्ती की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, तो उन्होंने क्या लिख रखा है, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। आरक्षी नागरिक पुलिस के 41,811, आरक्षी PAC के 10,984, फायरमैन के 1,007 पद, जेल वार्डर के 2,833 पद, आरक्षी विशेष पुलिस के 1,341 पद, महिला बटालियन के 761 पद, ये टोटल पद है जो कांस्टेबल के लेवल के होने हैं। अब ये अगर आप इन्हें जोड़ोगे तो आपको जोड़ के क्या क्या मिलेगा, 41,811 को जोड़ लो, 41,811 प्लस 10,984 प्लस 1,007 प्लस 2,833 प्लस 1,341 प्लस 761, कुल मिला के 58,737 पद बैठ रहे जो कांस्टेबल उसके समकक्ष है। अब आप कह रहे हो सर ये 52,699 से 58,000 कैसे हो गए, तो जब आप 41,811 और 10,984 को ही गिन लोगे, जब आप इसी को गिन लोगे 41,811, ये सिविल पुलिस के, जो सिविल पुलिस के कांस्टेबल बनते हैं और ये PAC वाले हैं, तो यही आपके 10,984 52,795 तो यही बैठ जाते हैं। ये आपके फायरमैन के, जेल वार्डर के, जो स्पेशल सुरक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस की है उसके 1,341 और 761 महिला बटालियन, तो कुल मिला के कांस्टेबल के लेवल पर, आरक्षी के लेवल पर 58,737 पदों पर भर्ती होगी, इस बात को आप ध्यान से सुनें। ये सबूत के साथ है, वेबसाइट पर कल ही अपडेट हुआ है, कल रात को, याद रखना। परीक्षा कार्यक्रम हेतु कैलेंडर तैयार किया जा रहा है, परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित होते ही अवगत कराया जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट देखते रहे। एक काम की चीज होगी, एक काम की चीज साथ ही ये पॉइंट नंबर 10 में, जिसमें रेडियो ऑपरेटर की भर्ती के बारे में बता रखा है कि 120 पद कर्मशाला कर्मचारी, सहायक परिचालक के 1,374, प्रधान परिचालक के 936, इन पदों पर भर्ती आगामी 4 महीने के अंदर परीक्षा संपन्न कराए जाने का निर्धारित किया गया है, उद्देश्य निर्धारित किया गया है। अब थोड़ी थोड़ी दिक्कत आई समझ में, ये भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर कल रात ही 9:30 के करीब अपडेट की गई है, आपको कैसे पता चलेगा, तो भर्ती बोर्ड का एक ट्विटर हैंडल भी है, जो भर्ती बोर्ड ने अपना ट्विटर हैंडल बनाया है, तो आप देखोगे भर्ती बोर्ड का खुद का ट्विटर हैंडल भी है, मैं आपको दिखा देता हूं। आपको क्या करना है, आपको ऐसे जैसे मेरे जो मैंने मतलब फॉलो कर रखी है, मैं ऐसे सीधे दिखा देता हूं, ये रहा भर्ती बोर्ड का, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड, इस पे 14 पोस्ट हुई है, तो इसमें आपको मिल जाएगा, इधर देखो
कहां पर दे रखा है, इसमें कई सार ये आई है पोस्ट, ये 19 घंटे पहले, मतलब अभी इसे 24 घंटे भी नहीं हुए। इसका मतलब ये कल 9 से 10 बजे के बीच में आया कि आपकी जितनी भी क्वेरी है उनको एक साथ ये एफएक्यू में दे दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यही खुल जाएगा जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे, सेम टू सेम डॉक्यूमेंट, यहां से भी क्लियर हो गया। इन्होंने ये भी कहा इसी पर कि यदि कोई आपसे पैसे वैसे मांगता है या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति नकल में या किसी प्रकार का ग्रोह है जो नकल कराता है, या कोई नकलची अथवा कदाचार है, या कोई सोल्वर है इस प्रकार की कोशिश भी कर रहा है, तो आप सतर्कता.policeboard@gmail.com पर अपना मेल भेज सकते हैं, आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। तो जो चोरी चकारी करे उस कमीनों को पकड़वाओ, उन कुत्तों को जेल करवाओ, ठीक है भैया। और बाकी इसमें ये सारी जानकारी इन्होंने बहुत बढ़िया से दे रखी है। तो ये चीज समझ में आ गई कि उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई के 3298 पद है, जिनमें से सिविल पुलिस के 3279, 29 पद फायर ऑफिसर के, ये बढ़ेंगे पद, ये 2469 से बढ़े, ये और बढ़ेंगे। मेरे विचार में लास्ट तक आप देखोगे ये 4,4500 के आसपास से 5,000 तक ये पद होंगे, ये 58,000 हो गए आरक्षी पुलिस के जो है, ये अभी इसमें बढ़ने की उम्मीद कम है, 58,000 भी काफी है। तो आप सभी लोग तैयारी कीजिए, बढ़िया मेहनत कीजिए, और इस बार ये जो बहुत से आपको जीवन में ऐसे मिलेंगे कि जो आपको अरे ये तो आएगी नहीं, अरे ये तो आएगी नहीं, जिंदगी में दो चीजें हैं, जो पढ़ रहा है वो जब उसका पूरा सिलेबस हो गया तो रिवाइज कर रहा है। एक है वो एक साल पहले भी उसके यही बातें थी, आएगी आएगी, एक साल बाद भी उसके ही बातें, एक साल बाद रिजल्ट आ जाएगा तब भी उसके ही बातें। आपको ये तय करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में, जरा बताओ आप सभी लोग कौन सी कैटेगरी में हो। तो याद रखिएगा ये 58,000 वैकेंसी हो गई है पुलिस आरक्षी की, और 3298 हो गई है क्या नाम है यूपीएसआई की। आप बार बार समय समय पर भर्ती बोर्ड की वेबसाइट देखते रहिए, और चाहे तो ट्विटर पर आप भर्ती बोर्ड के हैंडल को फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको छोटी मोटी सूचना फटाक से मिल जाए सबसे पहले। समझे मेरी बात, अपनी आंखों से चेक कीजिए कि वेबसाइट पर ये जानकारी है नहीं है, कल ही 19 घंटे पहले अपलोड हुई है। तो अगर आप लोग, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है भैया। चलिए यही आपको बताना था, बाकी क्लासेस प्रॉपर चल रही है एग्जामपुर पर, आपके एप्लीकेशन पर भी यूपीएसआई रणभूमि, यूपी कांस्टेबल रणभूमि, और इसका जेल वार्डर की भी मेहनत कीजिए, क्योंकि बेशक 58,000 वैकेंसी है, लेकिन आप ऐसा समझिए तैयारी करने वाले 25-30 लाख बच्चे फॉर्म डालेंगे, अगर 20 लाख भी पेपर देने गए तो भी कंपटीशन बहुत आ गया। ऐसे यूपीएसआई में आप देखते हैं 10-12 लाख 15 लाख तक बच्चे फॉर्म भरेंगे, 10 लाख भी पेपर देने गए, 3200 वैकेंसी, 3300 पता भी नहीं चलता, ठीक है। चलिए यही आपको समझाना था, सूचना देनी थी, मेरा काम होता है आपको बताना, मेरा दायित्व मेरी ड्यूटी आपको समझाना, मैं वो पूरा करूंगा। अब एकलव्य और अभिमन्यु बनने की क्षमता हर एक में नहीं होती, हाँ दुशासन बनने की क्षमता ज्यादातर में होती है, नेगेटिव चीज ढूंढने की। तो वेबसाइट से ये मैं अपने घर से भी लेकर आ रहा हूं, आप भी चाहें तो वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, ये थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।